नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में अगर आपने SBI बैंक से कभी भी कोई भी लोन लिया हुआ है तो उसका अगर आप पहले पेमेंट कर देते हैं, अपने जो लोन अकाउंट को पहले ही क्लोज करवाना चाहते हैं, समय से पहले आप उसका पेमेंट करना चाहते हैं जिसको कहते हैं प्री पेमेंट, तो इसके क्या चार्जेस रहते हैं, कैसे हम प्री पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने कैसे लोन के अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, भले वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो या फिर कोई भी लोन हो SBI का, सारी चीजें इस डिटेल में इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं मेन लोन की। तो मैं आपको बता दूं, जो लोन लेते हैं आप, वो लोन अगर आप समय से पहले पेमेंट करना चाहते हैं जिसको कहते हैं प्री पेमेंट। क्या कहते हैं? प्री पेमेंट। और अगर आप उसको प्री पेमेंट करते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि आप प्री पेमेंट अगर आप फुल कर देते हैं, जितना है पूरा का पूरा प्री पेमेंट कर देते हैं तो उसको प्री क्लोजर कहते हैं। मतलब अगर आप अपने लोन अकाउंट है उसको पहले बंद करवाना चाहते हैं समय से पहले तो उसको प्री क्लोजर कहते हैं। और अगर आप उसका कुछ अमाउंट, मतलब अगर आपके पास कभी आप काम कर रहे हैं और आपका जो, जैसे मान लीजिए लोन चल रहा है 1,20,000 रुपए का, अब 1,20,000 रुपए का लोन चल रहा है और आपकी जो EMI है वो पर मंथ जैसे आ रही है मान लीजिए 12,000 रुपए, अब जो 12,000 रुपए EMI आ रही है, आप EMI भर रहे हैं 12,000 रुपए हमेशा, और कभी कभार हो सकता है कि आपके पास कुछ ज्यादा पैसे या ज्यादा इनकम हो जाए तो आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा करते हैं, हम बैंक का जो लोन का पेमेंट है वो पहले कर देते हैं जिससे हमारा जो इंटरेस्ट है वो ब्याज है वो कम लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, इससे आपका इंटरेस्ट और ब्याज कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। मतलब इसके ऊपर आपको कुछ पेनल्टीज देनी होगी। जैसे पर्सनल लोन है, अगर आप उसको समय से पहले आप क्लोज करवाते हैं या फिर समय से पहले आप उसका प्री पेमेंट कर देते हैं तो उसके ऊपर 3% आपका जो लोन का है प्री पेनल्टी लगती है। अब लोगों की दिक्कत ये आती है कि जो लोन की जो पेनल्टी है, लोग काफी लोग ये सोचते हैं कि जो 3% है ये पूरे लोन के ऊपर होगी, तो ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा हूं। जो पूरा लोन है उसके ऊपर 3% आपका पेनल्टी नहीं लगने वाला। पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ आपकी उसी पेमेंट पे लगेगी जो आप पेमेंट पहले कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आपकी 12,000 रुपए EMI आ रही है हर महीने की और एक साल का लोन है 1,20,000 रुपए का। अब जो 1,20,000 रुपए का लोन है तो 3% आपका है वो 1,20,000 रुपए नहीं लगेगा। आपने जितना पेमेंट है उनको एडवांस में कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे लगता है। जैसे आपने 10,000 रुपए कभी एडवांस में कर दिए तो जो 10,000 रुपए के 3% यानी 300 रुपए है वो आपकी पेनल्टी होगी, ना कि 1,20,000 रुपए। ये जो कंफ्यूजन है वो काफी लोगों का था। ये मैंने क्लियर कर दिया है। होम लोन पे भी आपको कुछ पेनल्टीज वगैरह जो भी होंगी वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ पे दिखा दूंगा, स्क्रीन में आपको डिस्प्ले कर दूंगा किस किस के ऊपर कौन सी कितनी कितनी पेनल्टीज है, तो आप आसानी से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं या फिर कैसे हम अगर जो अकाउंट है, लोन अकाउंट है, उसको क्लोज करवा सकते हैं। तो लोन अकाउंट को क्लोज करवाने के लिए क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको इंटरनेट बैंकिंग ऑन कर लेनी है और जो रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा यहां पे इसको ऊपर क्लिक कर देना है और लोन क्लोजर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में क्या है, जैसे आप लोन क्लोज करना चाहेंगे तो लोन क्लोज करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पे लोन अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है, जो आपका लोन का अकाउंट है वो अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद में वहां पे आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी कुछ वगैरह, तो आपको वहां पे दे देनी है और आपसे पूछा जाएगा आपका जो पेमेंट है बाकी वो क्लियर कीजिए, तो आपको वो पेमेंट उनको क्लियर कर देना है। तो अगर जैसे आप करते हैं उसके बाद में सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद में आपका 2 working days के अंदर अंदर आपका जो लोन अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है जिसका नाम है रियल एजुकेशन फॉर यू, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको सॉल्यूशन 101% हर चीज का मिल जाएगा जो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेरी हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।